चलिए वी हैव दिस क्वेश्चन ऑन वर्टिकल मोशन अगेन इट सेज अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स इट हैज अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड व्हेन इट हैज रीच्ड हाफ ऑफ इट इज मैगजिम हाइट हाउ हाई द बॉल राइजेस क्वेश्चन सिंपल है कि एक बॉल को हमने ऊपर फेंका है और उसको वेलोसिटी दी है हमने 10 मीटर पर सेकंड मैं सिचुएशन को थ्योरेटिकली बना रहा हूं ना ग्राफ पे ना डायग्राम पे बना रहा हूं अच्छे से समझिएगा एक बॉल है इसको हम ऊपर फेंक रहे हैं और इसको जो वेलोसिटी हम लोग दे रहे हैं ना दैट इज टेन मीटर पर सेकंड हम इसको वेलोसिटी दे रहे हैं टेन मीटर पर सेकंड। ओके और इसी वेलोसिटी से ये बॉल ऊपर राइज करता है ऊपर ऊपर चढ़ जाता है ऐसे ऐसे करके ठीक है ऐसे करके ये मान लीजिए एक पर्टिकुलर हाइट तक यहां तक आ गया इस हाइट तक ये आ गया ठीक है ना और मान लो कि ये हाइट जो है दैट इज एच

तो इसके पास है वेलोसिटी टेन मीटर पर सेकंड स्पीड इसके पास टेन मीटर पर सेकंड इनिशियली तो पता ही नहीं है टेन मीटर पर सेकंड है इसके पास स्पीड जब ये इस हाइट तक पहुंच जाएगा ठीक तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे बताइए कितनी हाइट हाइटें मैक्सिममली ट्रेवल कर सकता है मतलब हाँ, सबसे हाइस्ट कहाँ तक ये जा सकता है देखो बेटा हम क्या एक चाला के यहाँ पे करेंगे हम इसी पॉइंट को मानेंगे ग्राउंड इसी पॉइंट को जहां से जहां पे हमें वेलासिटी दिखी ना इसी पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट मानेंगे ग्राउंड पॉइंट मानेंगे चलो इसी पॉइंट को हम मानेंगे ग्राउंड पॉइंट हम कहेंगे कि कि नहीं बॉल बॉल ने वहीं वहीं से से मोशन मोशन स्टार्ट स्टार्ट है कि भाई हमने जब को देखा तो वहीं से कर रही थी ए और देखेंगे यहां तक बी पर बी तक कितना टाइम लगेगा ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है देखो कितना टाइम मतलब मैं बोल रहा हूं ए से लेके बी तक ए से लेके बी तक क्या होना चाहिए फॉर्मूला होनी चाहिए एच इज इक्वल टू यू स्कोय बाई टू जी

बहुत चालाकी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया ठीक है तो देखो हमने किया क्या इस क्वेश्चन में हमने इस क्वेश्चन में क्या किया हमने कहा कि जहां की वेलोसिटी हमें दी गई है हम उसी पॉइंट को मानेंगे रेफरेंस पॉइंट हम उसी पॉइंट को मानेंगे ग्राउंड लेवल और उसी ग्राउंड लेवल से हमने फिर ऑब्जेक्ट को फेंका है नीचे फिर हमने कहा ए से लेके बी तक कितना ये टाई ना हाइट है दैट इज यानी ये हाइट मैक्सिमम हाइट कितनी है दैट इज स्मॉल स्माल और स्मॉल स्माल कितना है कहा गया है क्वेश्चन में इट्स हाफ ऑफ द मैक्सिमम ठीक है तो इस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक अब अब आते हैं एक और सवाल पे बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है देख लो ये बहुत इजी है लेकिन है बड़ा अच्छा क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है ए बॉल थ्रोन विद वेलोसिटी यू थ्रोन विद वेलोसिटी यू हमारे पास एक बॉल है जिसको हमने फेंका है वेलोसिटी यू ठीक ओबेन इज द हाइट एच ओबेन ऊपर जाता है फाइंड द हाइट अचीवड क्वेश्चन कह रहा है ये किस हाइट तक जाएगा फाइंड द हाइट अचीव किस हाइट तक ये जाएगा इफ इट इज थ्रोन अगर हम इसको थ्रो करेंगे इफ इट इज थ्रोन विद अगर हम इसको थ्रो करेंगे विद वि पहला पार्ट है अपने पास टू यू दूसरा पार्ट है अपने पास थ्री यू तीसरा पार्ट है फोर यू अगर हम इसको थ्रो करेंगे विदोसिटी टू यू देख बेटा वेलोसिटी यू से फेंका तो हाइट कैपिटल एच पर चला गया अब वेलोसिटी टू यू से फेंकेंगे तो किस हाइट पे जाएगा यानी डबल वेलोसिटी से फेंकेंगे तो किस हाइट पे जाएगा देखो मेरे पास फॉर्मूला है एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई टू जी विच मीन आई कैन से मैगजम हाइट जो है दैट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू यू स्क्वायर ठीक है तो केस नंबर वन पहला केस कंसिडर कर लो अगर अगर हमने इसको फेंका है सपोज एच पर एच हाइट पर दैट इज डायरेक्टली प्रपोर्सनल टू यू स्क्वायर अब हम वेलोसटी को डबल कर रहे हैं को क्या कर रहे हैं डबल कर रहे हैं मतलब हम स्पीड क्या रख रहे हैं स्पीड हम रख रहे हैं अब टू यू तो नई हाइट जो होगी एच डैश दैट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू यू स्क्वायर तो दोनों को डिवाइड कर लो एच डैश बाई एच डेट इज एच डैश विल बी फोर यू स्क्वायर दैट इज यू स्क्र यू स्क्र यू स्क्र कैंसल तो यू कैन से एच डैश बाई एच इज तो एच डैश इज इक्वल टाइम एच यानी ये फोर टाइम्स हाइट कवर करेगा मोर दूसरे पार्ट में है ना थ्री टाइम्स तो उसमें भी आप लगा सकते हो कि एच डैश विल बी थ्री स्क्वायर यानी नाइन टाइम एच और तीसरे पार्ट में क्या है एच डैश इज इक्वल टू सिक्सटीन टाइम्स हाइट एच आई होप यू आर गेटिंग me क्योंकि एच directly proportional टू यू square अब जितना हम वेलोसिटी बढ़ाते जाएंगे उतना ही ये ऊपर को चला जाएगा उतनी ही ज्यादा velocity इसके पास आएगा. उतनी ही ज्यादा ये attain कर पाएगा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कोई खास बात नहीं है इसमें ठीक है अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बड़ा ये ना सिंपल सा है लेकिन है बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास एक बंदा है बिल्डिंग है ऐसे करके ठीक है दिस इज अ बिल्डिंग ओके और इस बिल्डिंग के साथ एक छोटी सी सीढ़ी लगी है या आप मान लो एक लिफ्ट लगा है छोटा सा ऐसे करके स्टैंड लगा है इस बिल्डिंग पे साथ ठीक है ना एक साइड से और यहाँ पे है अपना एक छोटा सा आदमी खड़ा है ठीक है दिस इज सम पर्सन से फॉर एग्जाम्पल एडम एडम खड़ा है यहाँ पे अब एक बॉल है देर इज अ बॉल स्मॉल बॉल विच इज गोइंग लाइक दिस वे ये बॉल ऐसे है ठीक है ऊपर जा रही है ऊपर गई ye ball और उसके बाद नीचे भी आई और उसके बाद सीधा गिर गई ग्राउंड पे तो क्वेश्चन पता है क्या है क्वेश्चन ये दिया गया है द टाइम फॉर विच देखो क्वेश्चन को कैसे फ्रेम किया है द टाइम फॉर विच बॉल इज ऑब्जर्वड बॉल इज ऑब्जर्वेबल ऑब्जर्वेबल या विजिबल बॉल इज विजिबल टू एडम एडम कितनी देर तक इस बॉल को देख सकता है है ना देखो इस हाइट से ये बॉल जाएगा ना यहां से ऊपर जाएगा ना ऐसे करके मैं दिखाता हूं यहां से है ना बॉल ऊपर जाएगी ना ऐसे करके बॉल ऊपर जाएगी तो एडम इसको देख रहा होगा ऊपर जाते हुए फिर वापस 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 आएगी वापिस आएगी वापिस आएगी एडम देख रहा है जैसे ही पे पहुंचेगा एडम बस इसको यहां तक देख पाएगा उसके बाद ये नीचे चली जाएगी अब एडम को ये नजर ही नहीं आएगी तो मतलब हमें ये देखना है कि ये बॉल कितने टाइम तक एडम को नजर आई मतलब यहां से लेके यहाँ तक देखो 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 यहां से लेके यहां से लेके यहाँ तक से लेके बी तक एडम को नजर आएगा ठीक है तो हमें देखना है टाइम कितना लगेगा इस इसमें इस टाइम 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 ये ताइम कितना होगा जिस तक वो देख पाएगा ओके यू हैव ऑप्शन अवेलेबल एंड दैट इज वट मेक्स दिस क्वेश्चन इंटरेस्टिंग द ऑप्शन इज अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस टू जी एच डिवाइडेड बाई जी फर्स्ट ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन इज एच एच अगर आप एच मुझसे पूछोगे एच क्या है एच इसकी हाइट है सॉरी एच इज दाइट ऑफ दिस बिल्डिंग स्मॉल एच और दूसरा ऑप्शन है दट इज यू स्क्र माइनस टू जी एच बाई जी सेकेंड ऑप्शन तीसरा ऑप्शन है टू आइस यू स्क्वायर प्लस टू जी एच बाई जी और तीसरा ऑप्शन उप्ष, चौथा ऑप्शन है अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस टू जी एच बाई जी दिस इज आवर क्वेश्चन इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सो यू मे अटेम्प्ट एंड ट्राई टू आंसर वट विल बी द टाइम फॉर विच द बॉल इज विजिबल टू एडम चले हम लोग सॉल्व कर देते हैं इसको कहाँ से कहाँ ये बॉल जा रही है देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि बॉल ऐसे जा रही है ये बॉल यहाँ से स्टार्ट कर रही है असल में जर्नी यहां दिया गया है क्वेश्चन में ये ऊपर जा रही है विद द वेलोसिटी यू देखो बॉल ऊपर जाएगी विद द वेलोसिटी यू इसमें कोई गड़बड़ नहीं है मतलब बॉल जब यहां से ट्रेवल करना स्टार्ट करेगी ना इस पॉइंट से ये एडम को नजर ही नहीं आएगी और जब बॉल पॉइंट ए पर पहुंचेगी तब एडम देख पाएगा और फिर जब ये पॉइंट बी तक पहुंच पाएगी तभी तक देख पाएगा एडम ए से लेके अभी तक उसके बाद तो उसे नजर ही नहीं आएगी तो क्या हम बताएंगे कि ए से लेके बी तक कितना टाइम लगता है बॉल को वही हमारा मेन क्वेश्चन है है ना कि कितना टाइम लगता है ए से लेके बी तक तो जरा मुझे बोलो चलो यहाँ पे ओ मान लेते हैं मुझे बोलो ओ से लेके ए तक कितना टाइम होगा क्या वेलोसिटी होगी अगर ये वेलोसिटी वी है ना यहाँ पे तो मुझे बोलो ये वेलोसिटी वी किसके बराबर होगा वी स्क्वायर माइनस यू इज इक्वल टू ए एस ऊपर जा रहा है तो minus g और s के बदले h तो v square minus u square minus two g h है ना तो अब बताइए v square will be ये वहाँ जाएगा तो u square minus two g h and v will be under root of u square minus two g h तो जैसे बॉल ए पर पहुंच जाएगी तो ये बॉल जब ए पर पहुंच पाएगी तो उसके पास यही वेलोसिटी होगी ए तक ए ए पर जब ये बॉल पहुंचेगी तो अच्छा ठीक चलिए ये ए पर पहुंच गई अब मुझे बताइए ए से लेके बी तक कितना टाइम होगा यहां पर वेलोसिटी क्या है वी इसी ए को मानो रेफरेंस तो यहां से यहाँ तक टाइम कितना लगेगा वी बाई जी अरे लगता है ना यू बाई जी इस पॉइंट तक टाइम फिर इस पॉइंट से यहां तक कितना लगेगा वी बाई जी तो टोटल टाइम क्या होगा टाइम फॉर विच बॉल इज विजिबल फॉर विच बॉल इज विजिबल किस टाइम तक बॉल विजिबल होगा दैट विल बी कैपिटल टी एंड गिवन बाई ट वी बाई जी ट्वाइस वी आपके पास है यू स्क्वायर माइनस टू जी एच डिवाइडेड बाई जी ओके दिस इज योर आंसर ठीक है ना एंड विच ऑप्शन इज मैचिंग टू इट ऑप्शन विच इज मैचिंग ठीक है ना बहुत सिंपल क्वेश्चन है चले इसी क्वेश्चन इसी में इसी क्वेश्चन में कुछ और चीजें भी हैं जो सीखने के लायक है सीखने के काबिल है एक तो सीखने के काबिल है और दूसरा याद करने के लायक है बहुत सारी चीजें इस क्वेश्चन में तो वो क्या है वो देखते रहो अगर आपके पास ये ग्राउंड है ना अभी बॉल को कहाँ से फेंका था ग्राउंड से फेंका था इससे फेंका था आपने इस बॉल को ऊपर मान लीजिए अभी उस ए मैन वैन की कहानी भूल जाओ कि वो कब देखेगा क्या करेगा उसको छोड़ दो तुम इस बार ये वेलोसिटी बेटा यहां से जा रही है हमने इसको वेलोसिटी दी है यू इसी वेलोसिटी के साथ ये बॉल ऊपर जाएगा सपोज ये बॉल ऐसे ऊपर जा रहा है बहुत अच्छी प्रॉब्लम है ये ग्राउंड टू ग्राउंड वाली ऊपर जा रहा है और मान के चलो इस हाइट तक ये पहुंचा और इसके बाद इस साइड से ये सीधा नीचे आएगा आई आए रिपीट कि पाथ पैराबोलिक नहीं होगा बल्कि मैं बस बना रहा हूँ पाथ पैराबोलिक है अदरवाइज पाथ पैराबोलिक नहीं होगा यहां से ये नीचे आएगा ऐसे करके सपोज यहां तक ठीक है अब देखो अभी जब हाइट हमने देखी थी ना वो बिल्डिंग वाला आदमी कहाँ से देख रहा था इसको चलो बनाते हैं इस साइड पे बिल्डिंग वाला आदमी यहां पे ऐसे खड़ा था इस हाइट एच पे ना वैसे ठीक है ऐसे करके बिल्डिंग थी और ये हाइट थी एच ये हाइट एच थी इस हाइट पर बैठ के वो बंदा यहाँ पे था खड़ा ठीक है यहां पे वो इस बॉल को देख रहा था इफ यू रिमेम्बर एडम वॉज हियर स्टिंग हियर वॉचिंग दैट बॉल अप एंड डाउन ठीक है यहां से ए से लेके उसे यहां तक ये यह बॉल नजर आ रही थी बस बाकी तो बाकी टाइम तो उसे नजर ही नहीं आ रही थी बॉल ठीक है सपोज मान के चलो अच्छा यहाँ पे मैंने बताया बॉल की वेलोसिटी वी थी वो भी मैंने कैलकुलेट किया अच्छा सपोज मान के चलिए बेटा कि टाइम लगा बॉल को यहां से यहां तक टी वन टी वन इज द टाइम टेकन बाय द बॉल फ्रॉम दिस पॉइंट ओ टू द पॉइंट ए ओके शाबाश ठीक फिर क्या हुआ कि बॉल यहाँ पॉइंट ए से चला ऐसे करके चला 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 फिर पॉइंट इस बी तक पहुंच गया और पॉइंट बी तक इसे टाइम लगा टी टू ओके फिर बी से लेके वापस कितना टाइम लगेगा इसे सपोज सी तक यहां तक सर फिर से टाइम लगा टी वन हाँ क्योंकि हमें पता है इस हाइट को कवर करने में एच हाइट को कवर करने में इसे ऊपर जाते हुए टाइम टी लगा वापिस आते वक्त भी इसे टाइम टी ही लगेगा देख बेटा मैं लिख रहा हूं देखो ए से ओ से लेके ले ए तक इसे टाइम लग रहा है टी वन अच्छा ए से लेके बी तक इसको टाइम लग रहा है टी टू मैं बोल रहा हूं बी से लेके सी तक भी टाइम लगेगा टी वन ही सिमिट्रिक है हाइट इस इक्वल कवर करनी है ए से ओ से लेके ले ए तक भी हाइट एच है बी से लेके सी तक भी हाइट एच ही है तो हमें देखना है कि हमें ये टाइम्स निकालने हैं बेसिकली दोनों टाइम निकाल हैं टू तो बी फ्रैंक देखो मेरे पास इक्वेशन है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क् ना तो मुझे बताओ एस में इस एच को देखूंगा स्मॉल एच को एच इज इक्वल टू इनिशल इज यू टाइम कितना लगा सर टाइम यहाँ पे चलिए टी स्क्र ही लिख लेते हैं प्लस अच्छा ये ऊपर जाएगा तो एक्सेलरेशन जी आएगी हाफ ऑफ जी टी स्क्र माइनस जी आएगा ठीक है सर ओके ठीक चलिए एक काम कर सकते हैं हम लोग इसको उल्टा सकते हैं इस इक्वेशन को यू टी स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एच ऐसा लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है हम ऐसे लिख सकते हैं यू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर इस एच को यहां पे लेके आइए माइनस एच इक्वल टू जीरो दिस इज सिंपली अकॉर्डरेटिक इक्वेशन दिस इज सिंपली अकॉर्डरेटिक इक्वेशन

तो ut hai, ut है, है, है। स्क्वायर नहीं दिस इज़ तो बताओ 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 जल्दी जल्दी टाइम पीरियड जो है सॉरी दैट इज़ एक मिनट मुझे लिखना पड़ेगा माइनस ओके okay. तो यहां पे भी है यू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताओ मुझे टाइम पीरियड किसके बराबर होता है माइनस ए बाई बी होता है ना तो बताओ माइनस टू यू टी एक काम करते हैं एक मिनट एक काम करते हैं इस इक्वेशन को थोड़ा ठीक करते हैं फिर हम लिखते हैं इसको इसको थोड़ा ठीक से संभालते हैं पहले थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं इसको यहाँ पे लेके आओ टू यू टी माइनस जी टी स्क्वायर माइनस एच इक्वल टू ज़ीरो टू हाँ ठीक है माइनस टू एच इक्वल टू ज़ीरो माइनस टू एच इक्वल टू ज़ीरो इसको मैंने थोड़ा सा ठीक किया अब देखो थोड़ा और इसको संभालते हैं माइनस जी टी स्क्वायर पहले लिखो फिर प्लस टू यू टी फिर माइनस टू एच इक्वल टू तो जीरो कौम, माइनस कॉमन ले लो इट विल बी जी टी स्क्वायर माइनस इ माइनस हाँ टू यू टी प्लस टू एच दैट इज इक्वल टू तो ज़ीरो तो ये बनेगी इक्वेशन जी टी स्क्वायर माइनस टू यू टी प्लस टू एच इक्वल टू तो जीरो दिस इज सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इस ऑर्डरेटिक इक्वेशन में देखो वेरिएबल्स क्या क्या है मैं समझा देता हूँ आपको होता है ये ए एक्स स्क् प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप की इक्वेशन होती है ठीक है ना और मैं कह रहा हूं कि इसके रूट हम लेते हैं टी वन एंड टी टू लेट इट रूट बी टी वन एंड टी टू रूट बी टी वन एंड टी टू तो समूटस आप लिख ही सकते हो अब टी वन प्लस टी टू

प्रोडक्ट ऑफ रूट भी आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट वो भी आपको पता ही होता है टेंथ स्टैंड से ही टी वन इंटू टी टू डेट इज इक्वल टू वो आएगा टू यू बाई जी डैट इज इक्वल टू टू यू बाई जी टू यू g टू एच बाई जी सॉरी टू एच बाई सी टू एच बाई सी वो होता है सी बाई ए सी बाई ए प्रोडक्ट ऑफ रूट इज सी बाई ए ठीक सो so, आप इसको ऐसे बोल सकते हो ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। अब मुझे एक बात बोलो ये बंदा कितने टाइम तक इस बॉल को ऑब्जर्व कर पाएगा शाबाश ये बंदा इस बॉल को टाइम फॉर विच बॉल इज ऑब्जर्वड टाइम फॉर विच बॉल इज ऑब्जर्वड कितने टाइम तक इस बॉल को देख पाएगा देखो ये बंदा इस बॉल को कब तक ऑब्जर्व कर पाएगा ये ऑब्जर्व कर पाएगा फॉर द टाइम टी टू माइनस टी वन ठीक है टी टू ये टाइम है पूरा और ये टी वन है ठीक है ना तो जब ये बॉल ऊपर आई इसने ऑब्जर्व ही नहीं किया ये ऑब्जर्व ही नहीं कर पाया ठीक है बाकी टाइम टाइक ऑब्जर्व कर पाएगा इसका टाइम तो ऑब्जर्वेशन का टाइम यहाँ से स्टार्ट होता है ना यहाँ से यहाँ तक ठीक है ना तो अब दोनों चीजों को माइनस कीजिए टी टू माइनस टी वन को आपको पता है टी टू माइनस टी वन किसके बराबर आएगा ट विल बी सिंपली टी वन प्लस टी टू स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स टी वन टी टू ओके तो यहां से आप कैलकुलेट कीजिए टाइम पीरियड टी विल बी टुवाइस अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस टू जी एच डिवाइड बाई जी दिस इज द अनदर वे ऑफ सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम ओके ये दूसरा तरीका है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कि कितने टाइम तक ऑब्जर्व करेगा देखो बेटा आंसर तो वही आया सेम टू सेम ठीक है लेकिन मैंने मेथड चेंज कर दिया अब बट मुझे पता है ये वाला जो मेथड है इट विल इट कैन नॉट बी यूज्ड इन क्या बोलते हैं हम इसको इट कैन नॉट बी यूज्ड इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्योंकि ये बहुत लम्बा अप्रोच है और जैसे हमने अभी किया वो अप्रोच बहुत सिंपल है उस अप्रोच से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो ठीक है ये अप्रोच लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको इफ़ यू नो दैट अप्रोच लेकिन ये भी एक तरीका है इस प्रॉब्लम में एक चीज समझिएगा कि टी टी टू जो है टी टू हम ये वाला टाइम लेते हैं कि ग्राउंड से यहां तक सॉरी ग्राउंड से टी टू इज दैट टाइम ग्राउंड से यहां तक कितना टाइम लगा पूरा ग्राउंड से लेके ओ से लेके बी तक ओ से लेके बी तक टाइम है टी टू तो कितने टाइम तक बॉल इसको दिखेगा पूरा टाइम ले रहा है टी टू यहाँ तक ओ से लेके बी तक लेकिन ये वाला टाइम ओ से लेके ए तक इसको माइनस करना है तो टी टू माइनस टी वन इज द टाइम फॉर विच द बॉल कैन बी ऑब्जर्वड